गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्लास 8। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में स्टार्ट किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, और हम देख रहे थे कि कैसे उसका प्रभाव इंडिया पे पड़ता है। हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में स्टार्ट हुआ, उसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो तलाश कर रही थी रॉ मटेरियल, चीप रॉ मटेरियल और चीप लेबर्स की। तो उस चीप रॉ मटेरियल और चीप लेबर्स की खोज ने उन्हें अफ्रीका और एशिया के देशों तक लेके आया, और इंडिया में उनको रॉ मटेरियल और लेबर बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, जिसके कारण यहाँ डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे वो यहाँ पे आए। हालांकि सबसे पहले डच आए, फिर पोर्तुगीज, उसके बाद फ्रेंच, और आखिरी में आए ब्रिटिशर्स। इनमें कंपटीशन सा स्टार्ट हो गया यहाँ के रिसोर्सेस पे कब्ज़ा करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर्स हो। लेकिन इंडिया में उस समय प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग थे, डिवाइडेड थे, जिनको अपने कब्ज़े में करना, जिनको अपने साथ मिलाना बहुत ज़रूरी था। तो इन प्रिंसली स्टेट्स से तालमेल बिठाने का जो ये खेल था, एक ये स्टार्ट हो गया उस समय। डच तो बहुत पहले ही गेम से बाहर हो गए, पोर्तुगीज़ भी एक फिक्स्ड इलाके तक, एक फिक्स्ड एरिया तक कन्फाइंड हो गए। जो रियल गेम था वो खेला गया दो देशों के लोगों के बीच, वो था फ्रेंच और ब्रिटेन। फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच ये जो कंपटीशन था, ये काफ़ी लंबा चला, ये बहुत समय तक चला, और अल्टीमेटली इसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत के निकले। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रेंच कम्प्लीटली इंडिया से चले गए। साउथ के कुछ एरियाज थे जहाँ फ्रेंच ने अपनी परमानेंट कॉलोनीज बना के रखी थी। उसी प्रकार से पोर्तुगीज़ ने गोवा और उसके आसपास के एरिया को अपनी कॉलोनी बना के रखी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों के चले जाने के कई सालों बाद, लगभग 1961-62 में पोर्तुगीज़ गोवा छोड़ के गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक कहानी तैयार हो गई थी, एक ग्राउंड तैयार हो गया था वहाँ पे, जहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, दो यूरोपियन पावर्स, इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को आपस में डिवाइड करने की का जो है गेम खेल रहे थे। बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश को सपोर्ट दे रहे थे और कई सारे फ्रेंच को। तो ये इस गेम में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिला, और फ्रेंच को उन्होंने एक छोटे से एरिया तक कन्फाइन करके रख दिया। और उसके बाद शुरू हुआ ब्रिटिश, आप कहना चाहिए ब्रिटिश काल या ब्रिटिश टाइम या रूल, इंडिया में ब्रिटिश रूल। इंडिया में ब्रिटिश रूल को हम 190 इयर्स में जो है देखते हैं। हम इसका स्टार्टिंग मानते हैं 1757 से, और एंड जैसा कि हम जानते हैं 1947 में हुआ। तो 1757 ये जो ईयर है, ये था इस ईयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी पे हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे आगे आके, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये कौन सा नाम लेके इंडिया आए थे। ये इंडिया आए थे एक कंपनी का नाम लेके, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए थे यहाँ पे। वो दिखाना चाहते थे कि उनका जो मेन एम है, मेन जो गोल है, वो इंडिया के साथ ट्रेड करने का है। हालांकि शुरू में उन्होंने ट्रेड भी किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्मी, नेवी, ये इन दोनों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, और इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको सपोर्ट देना शुरू किया, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया और सपोर्ट देना शुरू किया। इनके पास हथियार जो थे वो मॉडर्न थे, जिसकी हेल्प से वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा पाते थे। इसीलिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो लालच में आ जाते थे कि अगर अंग्रेज़ों को मिला लिया जाए, अगर ब्रिटिशर्स को अपने साथ मिला लिया जाए, तो अपने ओपोनेंट को हम बहुत आसानी से हरा सकते हैं। इस चक्कर में बहुत से राजाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और इवेंचुअली हम जानते हैं क्या क्या हुआ, हमारा देश गुलाम हो गया। तो बच्चों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे रॉ मटेरियल और मैन पावर को यहाँ से उठाया, क्रीम को उठाया, कैसे उन्होंने पूरे देश पे धीरे धीरे कब्ज़ा किया, और कैसे अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पे लागू कराया। जो भी हमने आज आपको बताया है, उसका आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे,
उसको आप लिखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जा जाके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।